अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रीडिंग बुक शुरू करने जा रहे हैं जी। ठीक है, रीडिंग की बुक क्या है जिसका पहला क्वेश्चन है, और ये ऐसे वोकैबुलरी आपको मिलेगी, सिर्फ 4 से 5 दिन मैं ऐसे बोर्ड पे लिख के दूंगा, फिर उसके बाद आप बुक को ओपन करोगे, मैं भी बुक को ओपन करूंगा, आप बुक के ऊपर मायने लिखते जाओगे, मैं लिखवाता जाऊंगा, और आपने डेली का डेली काम याद करना है। ठीक है जी, माइक ऑफ रखो अपने और पढ़ो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खाबंग 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 कहते हैं जी, नोट नहीं करना भाई, खाबंग कहते हैं जी बैग, बस्ता। उसके बाद है जी खोंग, खोंग छेक कहते हैं जी कॉपी, नोटबुक। उसके बाद आ गया जी सू छोप, सू छोप, सू छोप, सू छोप कहते हैं डायरी। सर माजरा चाहता हूँ, मैंने तो यही तो बोला था सूचो। सू जोप बोलते हैं आप, सू जोप, ये छियत है, सू छोप। ओके, माइक ऑफ कर दो। अनग्योंग, अनग्योंग, अनग्योंग एनक। उसके बाद है जी खल, 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 खल कहते हैं जी चाकू या छुरी, चाकू या छुरी। फिर उसके बाद है जी खावी, 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 खावी कहते हैं जी कैंची को, कैंची, ऐसे ही है। ओके जी, कैंची। जियत शुरू पे आ रहा है छे, वावल ओ, छो, शियत, छोत, गारक नहीं पढ़ना, छोत कारक, छोत कारक, ये गारक क्यों नहीं पढ़ना, मैंने एक्सक्यूज बताया था जी, माइक ऑफ करो, मैंने बताया था जी कि वो कॉन्सोनेंट जिनके एस्पिरेटेड बनते हैं, सॉरी टेंस बनते हैं, यानी कि वो कॉन्सोनेंट जिनके डबल कॉन्सोनेंट बनते हैं, वो जब आपस में मिलते हैं तो नीचे वाले कॉन्सोनेंट में कोई तब्दीली नहीं, अगले की साउंड को हम टेंस में दे देंगे। गियो को संग गियो की आवाज दे रहा है, कारक, छोत कारक, छोत कारक। इसी तरह ये दिग्गत है, दिग्गत का संग दिग्गत बनता है, जी बनता है, गियक का संग गियक बनता है, बनता है, पहले कॉन्सोनेंट में कोई तब्दीली नहीं, दूसरे की साउंड को टेंस में, का, सुत कारक, सुत कारक, सुत कारक। खोम फ्यूथो, सॉरी, छोत कारक कहते हैं जी चम्मच, सुत कारक कहते हैं जी चॉपस्टिक, नूडल्स लाइयां, चॉपस्टिक, ये जो है ये कोरियन लोग या चाइनीज लोग यूज करते हैं, ये नूडल्स लाइयां, दो ऐसे वो स्टिकें जी होती हैं। ठीक है जी, सुत कारक, सॉरी चेंज हो गया जी, माइंड चेंज हो गया, छोत कारक कहते हैं जी चॉपस्टिक को, सुत कारक कहते हैं चम्मच को, सुत कारक चम्मच, छोत कारक चॉपस्टिक। खोम फ्यूथो, सर पॉपस्टिक या चॉपस्टिक? चॉपस्टिक, नूडल्स लाइयां, जो स्टिकियां होती है ना, दो नूडल खाने वाली, ये चाइनीज लोग यूज करते हैं, वो है जी चॉपस्टिक। ओके सर। उसके बाद है जी खोम फ्यूथो, खोम फ्यूथो, खोम फ्यूथो, कंप्यूटर। खे संगी, ये वावल ये है तो ये खे नहीं बोला जाएगा, खे ही बोला जाएगा, खे संगी, खे संगी, पढ़ो, खे संगी, खे संगी, खे संगी कहते हैं जी कैलकुलेटर। खीचा, 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 ट्रेन। जीत शुरू में आ रहा है, साउंड चेंज करेगा, छा, ये जीत शुरू में नहीं है, ये जीम की आवाज देगा, छा जो, नीचे नियन, छाजन, छाजन गो, छाजन गो।
छा जोंगो, छा जोंगो साइकिल, था जोंगो साइकिल। माइक ऑफ करो भाई। फी दोबारा हिंग बोलना एक दफा। था जोंगो, छा जोंगो, माइक ऑफ करो भाई। फी हेंगी कहते हैं जी हवाई जहाज को। खो सोक, खो सोक बोस, खो सोक बोस, खो सोक बोस एक्सप्रेस बस। एक्सप्रेस बस उर्दू की समझ आ जाएगी भाई, पढ़ा जा रहा है ना। एक्सप्रेस बस। स रे गी थोंग, स रेगी थोंग, स रेगी थोंग डस्टबिन, कचरा दान जी, डस्टबिन, डस्टबिन कचरा दान। खोंग खोंग जुंग, खोंग जुंग सुन हवा। माइक ऑफ करो भाई, किसका माइक ऑन है? खोंग जुंग सुन हवा, खोंग जुंग सुन हवा। माइक ऑफ करो यार भाई। खोंग जुंग जुन हवा कहते हैं कीजिएगा पीसीओ। सर जी, रिपीट कीजिएगा। एक मिनट जी, पीसीओ। खोंग जुंग जुन हवा, खोंग जुंग जुन हवा, खोंग जुंग जुन हवा, पीसीओ सर सर एक सवाल है जी। करो जी। सर, अगर हम मतलब कि रीडिंग करें तो इस ये अभी लफज है खोंगजुंग जोन हवा, अगर जी ये जुमले में एंटर हो जाए तो फिर हम उसको गोंगी पढ़ेंगे यानी दरमियान में आ जाएगा। तो ये ऐसे पूरा का पूरा लफ्ज ऐसे ही आएगा जी। अगर फिकरे में आ रहा है मतलब, तो इसके इधर भी स्पेस होगी, इधर भी स्पेस होगी, स्पेस के बाद शुरू हो रहा है, तो ये खोंगी होगा जी। माइक ऑफ जी करो। सर, पर छा वो इयों की बात कर रहा है कि दरमियान में आएगा तो मतलब उसकी आवाज आएगी कि नहीं आएगी। कौन सा ये जरा सर छोन जोन, ये वाला, ये जोनवा लफज, ये का लहदा है, ये लहदा से लफज बना हुआ है, ठीक है जी। खोंग जुंग जोनवा। छा दो का माइक वैसे ऑफ करो। करे शायद आ रहे हो रास्ते। छादों फान मेगी, छादों फान मेगी। यार भाई डबल मैं सही माइक ऑफ करवाया भाई का। कर रहा हूँ बार अच्छा बार, फिर ये ऑन कर वर्ड देते थोड़े से नजर नहीं आ रहे लास्ट पे, थोड़ा जी। सा क्लियर करें। हाँ अभी क्लियर हो रहा है, लास्ट वर्ड वो लाइट की वजह से क्लियर नहीं था, अभी क्लियर है थोड़ा सा, बस थोड़ा सा बड़ा देखते हैं एक मिनट हो जाता है। ये लास्ट टू वर्ड। ओके। छा दोंग, छा दोंग फान मेगी, छादोंग फान मेगी, छादोंग फान मेगी, छादोंग फान मेगी, छादोंग फान मेगी कहते हैं जी वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन क्या है जी? कॉफी है, बोतल है, स्टिंग है, कोक है, आपने कौन सी पीनी है? मशीन लगी हुई है, आपने क्लिक करना है, पैसे डालने हैं, बोतल बाहर आ जाएगी, ठीक है जी। वेंडिंग मशीन। छादों फान मेगी। फिर उसके बाद है जी छा, छादों इन छुलगी, छादों इन छुलगी, छादों इन छुलगी, छादों इन छुलगी। एटीएम मशीन, एटीएम मशीन है जी। एमएस जी सर जी, भाई जिसके साथ घी लगेगा वो मशीन होगी। जी बिल्कुल जी, जिसके साथ गी आगा वो मशीन ही है जी। अच्छा जी दोबारा जी पढ़ो।
खाबंग 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 खाबंग, खोंचेक खोंचेक खोंचेक, सूचो सूचो सूचो, अंग्यों अंग्यों अंग्यों, खल खल खल, खावी खावी खावी, छोटकारक छोटकारक छोटकारक। सर ये चॉपस्टिक की सर जो कोरियन है ये बता देंगे आपने क्या रूल बताया इसका, कैंडी दोबारा बता जी देंगे। भाई, वह जिधर हमने टेंसिंग रूल पढ़ा था कि वो कॉन्सोनेंट जिनके संग कॉन्सोनेंट बनते हैं, जिनके डबल कॉन्सोनेंट बनते हैं, वो जब आपस में मिलते हैं तो नीचे वाले कॉन्सोनेंट में कोई तब्दीली नहीं, अगले वाला टेंस की आवाज देगा। ये गियो को संग गियो यानी कि कॉफ की आवाज देगा। छोट कारक, ये देखना कि रूल अप्लाई होता है कि नहीं होता। अच्छा जी, ये कैसे पता चलेगा कि रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? शियत है क्या? शियत का संग शियत बनता है? जी बनता है। गियो क्या है? गियो का संग गियो को बनता है? जी बनता है। तो अप्लाई करो छोट कारक छोट कारक। उसके बाद दिगत, दिगत का संग दिगत बनता है? जी बनता है। गियो का संग गियो को बनता है? जी बनता है। रूल की ज्यादा टेंशन ना लो, ये अल्फाज घूम घूम के आपके सामने दोबारा यही आएंगे, याद हो जाएंगे, परेशानी वाली बात नहीं है। सुत कारक सुत कारक सुत कारक, खोम फ्यूथो खोम फ्यूथो खोम फ्यूथो, खे संगी खे संगी, खींचा खींचा खींचा, छा जोंगो छा जोंगो, फी हेंगी फी हेंगी, खोसक बोस खोसक बोस, श्रेगी थोंग, खोंग जुंग जोनवा खोंगजुंग जोनवा खोंगजुंग जोनवा खोंगजुंग जोनवा, छादोंग फान मेगी छादोंग फान मेगी, छादोंग इन छुलगी छादोंग इन छुलगी। ओके जी, रीडिंग बुक हमने स्टार्ट की है आज। पहले हमने 5 क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है जी। हर सवाल के 4 MCQs हैं, जो रिपीट हुई है वो मैंने नहीं लिखे, ठीक है। जो रिपीट नहीं हुए वो मैंने सब लिख दिए हैं, ठीक है। आज सिर्फ हमने पहले 5 सवाल पढ़े हैं, तो इंशाल्लाह 1 3 से 4 दिन में आपको बोर्ड पे वो कैबरेज दूंगा। फिर उसके बाद आपने बुक ओपन करनी है, मैं आपको लिखवाता जाऊंगा, ठीक है जी। पहले स्क्रीनशॉट लो जी, बाकी बाद में करते हैं।